अगला सवाल हमारे पास रोहित का है गुड़गांव से। रोहित बताइए क्या जानना चाहेंगे। गुड इवनिंग सर, मेरे पास मदरसन के सर 400 शेयर्स हैं जी, तो अभी 280 की मेरी एवरेजिंग आ रही है, तो राइट नाउ मेरे को मतलब अभी निकाल देने चाहिए था लॉन्ग टर्म के लिए, इट विल बेनिफिशियल टू जी। आपने एवरेजिंग की है यानी आप ऊपर के भी स्तरों पर खरीदते रहे, लगातार आपने इसमें खरीदारी की है? या फर्स्टली अबाउट अराउंड 300 के आसपास मैंने लिया था, फिर मैंने एवरेजिंग करी थी, राइट नाउ एवरेजिंग एट 280 जी। जी तो अब यहाँ पर अगर मदरसन के चार्ट को देखें तो इसने इसमें जो खासतौर पर कमजोरी आई थी वो अगस्त के बाद से आई थी पिछले साल, लेकिन उसके बाद एक रेंज बना करके इसने कंसोलिडेट किया है। वो रेंज अपने आप में काफ़ी बड़ा है क्योंकि नीचे की ओर 210 के स्तर भी दिखते हैं, ऊपर की ओर 300, ये एक 90 रुपये का एक बड़ा रेंज है जिसके अंदर इसने पिछले कुछ महीने गुजारे हैं। और अभी भी इस गिरावट के बाद भी अगर वैल्यूएशन के फ्रंट पे देखें तो कोई बहुत सस्ता शेयर ये नहीं है, तो इसमें ब्रजेश क्या लगता है आपको, इसमें और समय देना चाहिए या जैसा कि ये खुद ही पूछ रहे हैं कि क्या निकल जाएं? नहीं देखिए, चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से राजीव जी, तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि होल्ड ऑन ही रहें। लगभग 205 के आसपास का इसका 52 वीक लो था, वहाँ से जो इसकी पुलबैक की जो रैली आई है वो अभी भी बरकरार है, इंटैक्ट ही है। वहाँ ऑन अ डेली बेसिस की अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो द स्टॉक हैज फॉर्म हायर लोस पैटर्न विच इंडिकेट्स दैट की बुलिशनेस दर्शाता है और वो अभी बरकरार रहेगा। हाँ ये ज़रूर है कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर बनाएं 225 के आसपास का, अगर वो ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली आप अपना लॉस बुक करें और निकल जाएं। अपसेट की मैं बात करूं तो 275 से 280 का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा और वही इनकी खरीदी भाव भी है, तो वो एक बार वॉल्यूम के संग में निकल जाए तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग फॉर 325 टू 340 ऑड लेवल विच माइट बी अचीव विद इन से 5 मंथ टू 6 मंथ ऑफ ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि होल्ड ऑन रहें, थोड़ा पेशेंस दें, चार्ट को चार्ट के अनुसार प्रॉमिसिंग ही लग रहे हैं, आपको ये भाव ऊपर के देखने को जरूर मिलेंगे जी। ब्रजेश आज इतने ही सवाल ले पाएंगे, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? जो भी शेयर में आज बात हुई है उसमें मेरे या मेरे क्लाइंटों की किसी की भी होल्डिंग नहीं है जी। ब्रजेश तो बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की, सारे दर्शकों को भी होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।